फ्रेंड चंदन इंडियन कुकिंग में सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज बना रहे हैं नमक पारे। देखिए एक पाव मैंने मैदा लिया है, मैं आलू लेती हूँ। पाव लिया है मैंने मैदा और इसको सलोनी या नमक पारे दोनों बोलते हैं। और ये होली का फेमस है, होली भी आ रही है, जो चीज़ इसको चलो बनाते हैं। ये छान लिया मैंने, फूल लिए हैं, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच डाल दिया मैंने। इसको अच्छे से मिला लेते हैं तेल को पहले, फिर इसको गूंथेंगे। देखिए फ्रेंड जितने अच्छे से इसको करेंगे ना, मसलेंगे, उतने अच्छे से बनता है इसका। बड़े सॉफ्ट रहता है, टाइट नहीं रहती है। कोई कोई की शिकायत है कि हम लोग बनाते हैं हमारा ये ऐसा है, तो मैं बोली मैं चलो देख बताती हूँ आप लोग को कैसे इसको करना है। ये देखिए ऐसा होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और सब गूंथते हैं। इसके डोसे हमने दो प्रकार की बनाएंगे, सलोनी प्रकार के। एक काजू शेप में बनाएंगे, एक सिंपल वाली बनाएंगे। ये हमारा आटा लग के रेडी है, अब इसको भी आधा घंटा के लिए रख देंगे। नमक पारे का आटा लग के रेडी हो गया है। ये मैदा का ही बनता है, मैदा से ही अच्छा लगता है इसका। मेरा आटा देखिए सेट हो गया, अब इसकी मैं बना रही हूँ सलोनी। सलोनी बोलते हैं, मटरी बोलते हैं और नमक पारे इसको। और देखते हैं हम इसको पतला पतला बेलेंगे। हम दो प्रकार के बता रहे हैं नमक पारे, एक काजू शेप में बता रहे हैं और एक सिंपल से बता रहे हैं। इसको बेल लेते हैं पतला से। कढ़ाई रख दिए हैं हम, तेल हमारा गर्म हो रहा है, धीमा करके इसको बढ़िया बेल लेना किनारे किनारे से, मोटा पतला नहीं बेलना है। होली आ रही है, होली के त्योहार में तो बनाते ही बनाते हैं लोग। चलिए मैं बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने बेल के इसको पतला कर लिया है, इतना पतला इसको रखना है। अगर चिपकता है तो आप लोग ऐसे हाथ में लगाकर वैसे आटा लगा लीजिए। मैंने थोड़ा सा लगाया है आटा, ये देखिए। अब इसको मैं काट लेती हूँ। देखिए हमें इस तरह लाइन काट के, हमको ऐसे लाइन काट लेना है सर। ये देखिए छोटा छोटा टुकड़ा काटेंगे। हमने चाकू लिया है, चाकू के सहारे से काट रहे हैं। देखिए हमने पूरी पट्टी काट लिया है, इसको निकाल लेते हैं, छोटा छोटा काट लेते हैं। सबने ऐसे हमने काट करके रख लिया है। अब इसको हम डाल रहे हैं कढ़ाई में, कढ़ाई गर्म हो गई है। ये देखिए धीमी आंच से ही पकाना है इसको। जो पक रहा है इसको हम दूसरे शेप में बता देते हैं कैसे काटना है।
बोल लेते हैं इसको, इसमें आटा नहीं लगाना है, एक काजू सूप में हमको इसको काजू सेप बनाना है, इस वाले में तो आटा नहीं लगाना है इसमें, इसको थोड़ी सी मोटा रखना है, उतना पतला नहीं बेलना। बेल लिया है इसको, देखते हैं काटते हैं इसको। ये लिया है ढक्कन, कोई से भी ढक्कन निकाल लेगी, कोई भी सीसी का ढक्कन से ऐसे काटना है। ये देखिए ये काजू सेप, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, नमक के साथ खाइए। देख कितने अच्छे से बन गए हैं मेरा काजू। इतना ही बच गया है, इसका बन बेल लेते हैं। इतना आटा इसके बनाएंगे, इसको प्लेट में रख लेते हैं। देखिए हमारा नमक पारे पक गया है, इसको निकाल लेते हैं आप, ज़्यादा नहीं पकाते नहीं तो वो कलर अच्छा नहीं लगता देखने में, बिल्कुल पक गया है, इसको निकाल लेते हैं। कितने अच्छे से फूले हैं, डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया, इसको भी तल लेते हैं, इसको भी नहीं चलाना नहीं है। इसको भी हमने बेल लिया, अब इसको काटते हैं, थोड़ी मोटा ही रखना है, तो काटने में बहुत अच्छा लगता है ये काजू सेब। देते हैं देखिए पक गए हैं, हम इसको निकाल रहे हैं। इसको तलने के लिए रख देते हैं, दो प्रकार के दिखाया था, एक प्रकार का हमारा तल गया है, ये दूसरा वाला हम तल रहे हैं। ये हमने तल के पूरे तल गए हैं, ये निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर रख के आप निकालिए, कुछ भी चीज़ बनाए टिश्यू पेपर निकालते ना तेल बिल्कुल नहीं रहता है, टिश्यू पेपर तेल सोख लेता है, इसलिए मैं कोई चीज़ भी बनाती हूँ टिश्यू पेपर रखती हूँ। बन के मसाला डाल देते हैं काजू वाले में, चाट मसाला से थोड़े से टेस्ट और ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। मिर्ची भी डालते हैं, मगर मेरी बच्ची मिर्ची नहीं खाती इसलिए मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए ये नमक पारे बन के रेडी है, या काजू सेप में ये सिंपल है, और ये इसको डब्बा में भर के रखिए, और चाय के साथ किसी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को बड़ों को। अगर आप लोग को पसंद आया ये मेरा तरीका बनाने का, तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर कीजिए।